हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दिन है बुधवार, तारीख है पहली, टाइम है सुबह के 8 बज रहे हैं। सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें आप करेंगे, अच्छे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे, तो आपका दिन भी अच्छा भी देगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अगर मैं सुबह वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मेरी पूरे दिन वीडियो नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, है ना। और थक जाती हूँ, नहीं मिल पाता टाइम। तो दिन है पहली, 2023 का एक महीना और गुजर गया, दूसरा महीना स्टार्ट हो गया। दिन तो यूं ही गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता, है ना। बात करते हैं किसकी, उस्त्रिया की बात करूं मैं आपको, थोड़ी सी सायरा जी की बात भी करूंगी मैं, और देखना आप वीडियो में, मैं सायरा जी की भी बात करूंगी। त्रिया की बात करती हूँ, 50,000 रुपये पति की चोरी करके क्या, या पति की चोरी से तूने अपने भाई को दे दिए, तेरी माँ तुझसे जब मिलने नहीं आई, ठीक है। और अगर वो जेवर चुरा के ले जा रहा या नाटक कर रहा या जो भी कुछ कर रहा, तो तूने वीडियो बना दी। वाह भाई, इतनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। वो तूने 50,000 चुरा के दिए, क्योंकि वो असलियत में दिए थे तूने, इसलिए चुपचाप दे दिए, किसी को पता नहीं चला। ये जेवर भी अगर चुरा के ले जाना चाहता, चुपचाप ले जाता, पता नहीं चलता, क्योंकि ये एक नाटक था, ये एक दिखावा था, ये वीडियो में दिखाना था, इसलिए त्रिया तुमने ये दिखा दिए। वाकई में तुम्हारा त्रिया चरित्र, वाह, ले जा रहा था, चलो ठीक है, ढंग से समझाती। वीडियो बनाने की क्या जरूरत, वीडियो एक औरत होती है ना, वो पूरा घर जोड़ के रखती है, और एक ही औरत होती है जो पूरा घर बिगाड़ देती है, अपनों से अपनों को अलग कर देती है, एक वो औरत ही होती है। गलती हर इंसान से होती है, उस गलती को कैसे इंसान से किया जाता है, या कैसे मैनिपुलेट करके उससे बताया जाता है, या उसे कैसे संभाला जाता है, उस गलती को, ये एक औरत के हाथ में होता है। आदमी बाहर का होता है, कमाने वाला होता है। वो जेवर, मैं चल तुम्हारी बात सच मानती हूं कि वो जेवर चुरा के ले जा रहा था, वीडियो बनानी क्या जरूरी थी? नहीं, वो नहीं ले जा रहा था, वो एक तुम ड्रामा कर रहे हो। अब वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो भगवान को मालूम है, तुम्हें मालूम है, लेकिन मैं भी अंदाज जहां तक मेरा है सही है। अब ये कुछ दिन चलेगा, बस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कल मैंने रोहन की वीडियो देखी, कोहन की वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि अब ये ज़्यादा नहीं चलेगा। कहीं कभी तुम्हें आपस में बैठ के बात भी तो होती होगी, कहीं प्यार की, कहीं अच्छे की है। वो कह रही मेरे पास कुछ डालने के लिए वीडियो नहीं है, वीडियो क्यों बना रही है, मुँह से बताना आके बैठ के, एक आध सीन डाल दे अगर ऐसी बात है तो। मोहल्ले वाले हैं, बाहर है ना, उन लोगों के सामने कहो, या किसी को कुछ नहीं पता तुम्हारा, किसी को पता ही नहीं चलता, लड़ाई झगड़े होते हैं, आसपास वालों को पहले पता चल जाता है, पड़ोसियों को पहले पता चल जाता है कि इनके घर में झगड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। बहुत कपल व्यूज़ बना लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, अगर उन्हें अच्छे व्यूज़ लेने होते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं अपनी जर्नी दिखाते हैं, कहीं अच्छा करते हैं जिससे लोग उन्हें देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर की इतनी इतनी सी बात करके तुम एक दूसरे को बदनाम करके वीडियो डालो। ये इंसान की ये पता चलती है ये कैसी है, समझ में नहीं आई। माँ 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 कहाँ है माँ? एक बात और बता रहे हैं, बताइए कि वो मुसलमान है तेरा पति, हिंदू है या मुसलमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस इंसान कैसा है सबसे मेन चीज़ ये है। अब तुमने शादी की है तो अच्छे से उसे निभाओ। हर बात तरीके से कही जाती है, समझा के कही जाती है, बात करके कही जाती है, लेकिन तुम्हारा तो एक तरीका ही अलग है बोलने का, तुम तो बोलती ही पता नहीं क्यों हो। तुम्हें समझना पड़ेगा त्रिया, अपने लिए नहीं जियोगी अब तुम, अपने बच्चे के लिए जियोगी। और एक बात मैं सबसे बड़ी बात कहती हूँ, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, वो लड़की किसी की नहीं हो सकती।
ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ इस बात को, जिसने पैदा किया जिसने रखा उससे तो बहुत लगाव होता है, उसकी नहीं हुई। जो अपने माँ बाप की बेइज्जती स्वजनों में कर सकती है वो किसी की भी कर सकती है, ये सोच के चलो और उस इंसान से किनारा करके चलो, समझ के चलो वो इंसान कैसा है क्या कर सकता है। इसलिए त्रिया मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई, पति की क्या होगी, किसकी क्या होगी। और इतिहास दोहराने के लिए होता है, अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ बुरा किया है, उनका दिल दुखाया है, तो वक्त तुम्हें भी वो दिन ज़रूर दिखाएगा, ये 100% है मैं कहती हूँ। समझ में आ गई? अरे लोग समझ में नहीं आता, तुम पढ़ी हो ना लिखी हो, कुछ नहीं हो, किसी मतलब से नहीं हो, घर का काम ढंग से तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हारा पति करता है। अपने को बदलने की कोशिश करो, वो काम करो जिससे पति खुश रहे, क्यों नहीं करती हो। ठीक है, अगर मैं सब कह रही हूँ कि तुम्हारा पति से किसी लड़की का बातचीत करता है, उसे समझाओ बैठ के, उस नीत बताओ, कहो चलो मुझे मिलवाओ, उसे भी समझाओ बैठ के, प्यार से हर चीज़ हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। और लड़ाई लड़ो तो फिर ऐसी लड़ो आर्या पार की लड़ाई लड़ो, जब सिर से ऊपर पानी हो जाए, जाके कंप्लेंट करो पुलिस में, बात ख़त्म करो, अगर बात तुम्हारी सच है। नहीं करोगी क्योंकि सच नहीं है, तुमने 50,000 उठा के चुपचाप दे दिए, पता नहीं चला किसी को, वो जेवर ले जा रहा था तो तुमने पूरी दुनिया को दिखा दिया, क्या बात है। जो लड़की माँ बाप को धोखा देकर शादी करती है ना, उन्हें शादी के बाद माँ बाप बहुत प्यारे लगते हैं, कोई अगर कह दे तो माँ बाप की बात बहुत प्रिय लगती है। जो धोखा दे के लड़कियाँ आती हैं माँ बाप को, ये तो मैंने देखा है बहुत अच्छी तरीके से। और मैं तुमसे कौन एक बात और कहूँगी, अपने बच्चे को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने घर को देखो, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई वीडियो के लिए भी अगर आप व्यूज़ के लिए भी कर रहे हो, ये भी बहुत गलत है, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बातें अच्छी नहीं होती। आने वाला टाइम में बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ेगा इन बातों से। फिर आप कह दो, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं बताऊं, गलती अपने ऊपर नहीं लेते, वो पूरी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर गलतियां थोपते हुए चलते चले जाते हैं, पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं ऐसे ही अपनी गलतियों का पिटारा दूसरे के ऊपर फोड़ के। अपना नहीं समझते कि हमने क्या करा, या हमारी वजह से ऐसा हुआ, या हम आज सक्सेस नहीं है, या हम ऐसे नहीं हैं, तो किसकी वजह से नहीं है। वो दूसरों के ऊपर पिटारा फोड़ देते हैं कि तुम तो कर सकती थी, तुमने क्यों नहीं किया। अब आते हैं हम सायरा जी पर। मैं देखो सायरा जी, आप परेशान हो रही थी, मैंने मैसेज किया था, जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। हाँ देखिए, वहाँ पर झगड़ा हुआ, वहाँ पर अच्छा खासा फसाद हो गया है, दो लोगों में बरेल भी थे और कौन थे वहीं के, उन लोगों ने वो किसी से मिले थे वहाँ के, और मिलने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा हंगामा हो गया है, भगदड़ मची है वहाँ, झगड़े के बाद नारे लगा रहे थे लोग, क्या पता आप वहाँ होती, क्या होता क्या नहीं होता, है ना। जो सही इंसान होता है ना, उसे ऊपर वाला उस रास्ते से अलग कर देता है ना। तो बस अच्छा हुआ आप नहीं गई, फिर चले जाना, फिर बुला लेंगे वो, ऐसी बात थोड़ी है, छठी तो होती रहती है, आप चले जाना फिर तो। इसलिए ये आप जाना ही नसीब में जब नहीं होता तो वैसे ही बालक बन जाते हैं, है ना। अच्छा हुआ आप नहीं गई, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में तू ही तू है, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई सुबह के साथ, नए अंदाज के साथ, और एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी बातें पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट, क्या हमारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं आपको, चलिए कोई बात नहीं है ना। ओके बाय।